स्कोडा कुशैक का मोंटे कार्लो एडिशन आप ये देख रहे हो गुड़गांव हरियाणा में। पहले तो इसके अंदर ना दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं मोंटे कार्लो को, अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 लीटर का टर्बो इंजन आ जाता है, 1.5 लीटर का इंजन आ जाता है। दोनों ही इंजन आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के साथ में मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में 1 लीटर इंजन के साथ में गुड़गांव हरियाणा में जो मोंटे कार्लो एडिशन की कॉस्ट पड़ती है वो है 20 लाख रुपीज़। बाकी अलग जगह पर अलग डिस्ट्रिक्ट में जो ये प्राइस है वेरी कर सकता है। आज की वीडियो में इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं मैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्कोडा की कुशैक है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है। इनके अंदर क्या है, आपको जो इसकी हेडलाइट मिलती है वो तो आपको प्रोजेक्टर एलईडी के अंदर मिल जाती है, बट जो गाड़ी की फॉग लाइट है वो इसके अंदर में हैलोजन बल्ब के साथ मिलती है। जैसे इसकी हेडलाइट हुई है, फॉग लाइट हुई, इनके ऊपर देखोगे ना थोड़ा सा ब्लैक से टिंटेड सा इसके ऊपर में ग्लास दिया हुआ है, तो देखने पर काफ़ी तगड़ा सा लग रहा है। और पर्टिकुलरली रेड कलर के साथ में जो ब्लैक कलर का इस गाड़ी में ट्रीटमेंट दिया हुआ है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। हर एक चीज़ गाड़ी के अंदर ना कहीं भी क्रोम का यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। डोर हैंडल्स पे इसके ऊपर देखोगे ये आपको स्मोक टाइप का सा इसके ऊपर में क्रोम दे रखा है, जो कि देखने में काफ़ी तगड़ा सा लग रहा है। क्रोम से सर भाई मुझे पर्टिकुलरली जो पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है हर एक जगह पे वही देखने में लग रही है। जैसे आप गाड़ी की देखोगे तो कुछ इस तरीके की इसके अंदर में की मिलती है। लॉक एंड अनलॉक का स्विच मिल जाता है एंड इसकी टेलगेट को ओपन करने के लिए फोल्डेबल की आती है, बट इसके अंदर पुश स्टार्ट एंड कीलेस एंट्री वो सारी चीज़ें तो गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करूँगा तो जो इसके ORVMs हैं फोल्ड हो जाएंगे, और जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करूँगा दो बार ब्लिंक करेगी एंड जो इसके ORVMs हैं ऑटो ओपन हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी जो है ये ORVMs मिल जाते हैं। ORVM एंड इसकी रूफ जो है आपको ब्लैक कलर में मिल जाती है। सनरूफ भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है। मेटल की रूफ रेल्स दे रखी है। शार्क फिन का एंटीना है। इस गाड़ी के अंदर में 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ में ही ये गाड़ी आती है। फ्यूल लिड जो है राइट साइड में दिया हुआ है, सीधा बाहर से ही दबाने में ये ओपन हो जाता है। 188 mm का गाड़ी के अंदर में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्रंट गाड़ी के अंदर में डिस्क मिलता है, रियर गाड़ी के अंदर में ड्रम ब्रेक आता है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स पर्टिकुलरली इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। MRF का टायर है 205/55/R17 का जो है इस गाड़ी के अंदर में टायर सेक्शन मिलता है। भाई अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी देखने में काफ़ी तगड़ा लग रहा है। LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं, डिफोगर वाइपर जो है दोनों चीज़ें मिल जाती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर है, कुशाक की बैजिंग है। जैसे इसके जो नॉर्मल वेरियंट आते हैं ना कुशाक के, उसमें क्या है क्रोम का लाइन आता है, बट इसके अंदर क्या है यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में यूज़ दे रखे हैं। 4 गाड़ी के अंदर में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। कैमरा भी जो है गाड़ी में मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा गाड़ी में नहीं आता है, सिर्फ पीछे की तरफ ही जो है कैमरा इसमें मिलता है। 385 लीटर का गाड़ी के अंदर में बूट स्पेस मिल जाता है। सेकंड रो की जो सीट है 60-40 स्प्लिट सीटें मिलती है। पार्शल ट्रे भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है, और जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है वो यहाँ नीचे की तरफ में दी गई है। इसके ऊपर जैसे आप देखोगे तो सबवूफर की प्लेसमेंट की गई है, तो स्पेस भी सेव हो गया और सबवूफर भी जो है आपकी गाड़ी में आ गया। बूट लैंप भी जो है गाड़ी में मिल जाता है। अभी गाड़ी के इंटीरियर्स में चलते हैं और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर मिलती है। और एक और चीज़ है, जैसे मान लो गाड़ी लॉक है ना और आपको गाड़ी को अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आओ और इसके टेलगेट को आप यहीं से ही ओपन कर सकते हैं। इसकी एग्जॉस्ट टिप देखोगे ना भाई कहीं भी नहीं दिख रही है, जो एग्जॉस्ट टिप है बिल्कुल नीचे की तरफ में छुपा रखी है, तो ये चीज़ भाई गाड़ी देखने में काफ़ी सही लग रही है। अब इंटीरियर बताता हूँ, पूरा अंदर की तरफ में रेड ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। एम्बिएंट लाइट भी जो है पर्टिकुलरली दे रखी है। अंधेरे से भी गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब इतना लाइटिंग नहीं है, बट फिर गाड़ी का इंटीरियर जो है ना इसके अंदर रेड एम्बिएंट लाइट ग्लो कर रही है, तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सी ये लग रही है। और इस गाड़ी के अंदर क्या है, आपको लेदर अपहोल्स्ट्री वाली सीट कवर्स मिलती है। जैसे देखोगे तो यहाँ पर कार्बन फाइबर टाइप का, मतलब कार्बन टाइप का भी यूज़ कर रखा है, बट है तो पूरी लेदर अपहोल्स्ट्री। हाइट एडजस्टेबल सीट जो है गाड़ी में मिल जाती है। इस साइड में क्या है, आपको लेदर का वेल वर्क मिलता है डबल स्टिचिंग के साथ में। सारे पावर विंडो कंट्रोल यहाँ पे दे रखे हैं एंड इसके ORVM कंट्रोल दे रखे हैं। बड़े बड़े जो है इसके अंदर में बोतल कैरी करने के लिए होल्डर दे रखे हैं, और अंदर की तरफ में कोई कुशनिंग वगैरह इसमें, मतलब जो कपड़ा वगैरह लगाते हैं ना, जैसे आपने और स्कोडा की गाड़ी में देखा होगा, वो चीज़ इसके अंदर में नहीं मिलती है। पेडल्स जो है इसके एल्यूमिनियम में मिल जाते हैं। इस साइड में दे रखे इसके लाइट कंट्रोल, ऑटो लाइट्स मिल जाती हैं एंड ये दे रखे इसके लाइट लेवलिंग कंट्रोल। पुश स्टार्ट जो है यह राइट साइड में दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील देखोगे इसका 2 स्पोक मिलता है, जो कि भाई काफ़ी स्टाइलिश सा ये लगता है देखने में। एक गाड़ी का इग्निशन ऑन करते पहले, ये देखो इसको सनरूफ ओपन करते हैं और फिर दिखाता हूँ इसकी कितनी ओपनिंग होती है।
भाई ओपनिंग जो है इस गाड़ी के अंदर में जो इसकी सनरूफ के बिल्कुल ओके ओके हो जाते हैं, एलईडी में लैंप्स मिल जाते हैं, आईआरवीएम जो है इसके इलेक्ट्रोक्रोमिक मिलते हैं, पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में जो है आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील बेसिकली इसके अंदर में दिया गया है, इस साइड में इसके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दे रखे हैं और ये ना भाई बहुत तगड़ी सी इसके अंदर में प्रीमियम सी क्वालिटी दे रखी है, ये आपका वॉल्यूम के लिए दे रखा है, पैडल शिफ्टर भी गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, जर्मन की जो भी गाड़ी है ना सभी के अंदर उल्टा सिस्टम है, इस साइड दे रखे इसके वाइपर का ना, इस साइड में दे रखे इसके वाइपर का और इस साइड दे रखे इसके लाइट का, एंड एज वेल एज जो क्रूज कंट्रोल है उसको भी आपको यहीं से सेट एंड रीसेट करना पड़ेगा। डिजिटल गाड़ी के अंदर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है, इसके अंदर जैसे इंफॉर्मेशन आप लोग को दिखाऊं, एक डोर जो है मुझे बंद करना पड़ेगा किलोमीटर पर, अब यार ठीक है अब देखो, ओ भाई साहब क्या नंबर, एक एक नंबर के इसके अंदर में थीम आ जाते हैं, बहुत मस्त सा जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स है ना भाई, स्कोडा की हो गाड़ी हो या फिर फॉक्सवैगन की, दोनों ही गाड़ियों में जो टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स है ना एक नंबर का मिल जाता है, एम्बिएंट लाइट भी जो है गाड़ी मिल जाती है, यहाँ पे देखोगे तो कार्बन फाइबर टाइप का स्यूज मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, दो सीट टाइप सॉकेट है, ड्राइवर पैसेंजर दोनों वेंटिलेटेड सीट है, आइडल इंजन ऑन ऑफ का गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए, स्कोडा गाड़ी में देखोगा आपने यहाँ पे जो है दो बटन दे रखे थे तो वो चीज़ इसके अंदर में नहीं मिलती है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, गियर नॉब देखने में कुछ इस तरीके का मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, दो इसके अंदर में ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट स्लाइडिंग वाला मिल जाता है, लेदर रैप वाला जाता है और अंदर स्पेसिंग भी जो है गाड़ी के अंदर में बिल्कुल बढ़िया सी मिल जाती है, ग्लव बॉक्स भाई बिल्कुल बढ़िया साइज का मिलता है, जैसे काफ़ी वीडियोज़ में देखा ना ये वाला पार्ट करते हैं यहाँ से कुछ दबाते हैं तो यार मेरे को तो वो ऐसा कोई मेजर सा इशू लग नहीं रहा है, बाकी कोई कस्टमर आएगा तो बताऊंगा भाई वो चीज़ ऐसे दबा के करते हैं यहाँ से तो वो भाई सेम ही दिक्कत करती हैं, फिर ऐसे बेफालतू की अफवाह उड़ाई जा रही हैं, बाकी जो क्वालिटी वगैरह ना स्कोडा की फॉक्स वगैरह दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी बढ़िया से मिल जाती है और जो फिट एंड फिनिश है ना वो भी काफ़ी अच्छी से मिलती है, जो बोनेट की विजिबिलिटी है काफ़ी बढ़िया से आ जाती है, एज टू एज तो नहीं है बट यूँ है बोनेट के अंदर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है, ओआरवीएम से बिल्कुल बढ़िया व्यू है और साइड विंडो से भी जो है आपको काफ़ी अच्छा सा व्यू आ जाता है, और भाई सीट ना काफ़ी ऊपर हो जाती है, सीट पूरी ऊपर करने के बाद जो विजिबिलिटी आती है ना तो वो भाई साहब एक नंबर की सी इसके अंदर में आ जाती है, तो कंफर्ट वगैरह भाई गाड़ी को ड्राइव करने में एक नंबर का सा आप लोग को लगने वाला है। अब इसकी सेकंड रो बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इसके अंदर में मिल जाती हैं। अरे यार गाड़ी लॉक करिए, गाड़ी को अनलॉक करेंगे इधर से, ये कर्टन से ना इसके अंदर एक्सेसरीज लगी हुई है, ये गाड़ी के साथ में नहीं आती है, स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, यहाँ पे भी जो है लेदर का वर्क मिल जाता है, 60-40 स्प्लिट सीट है तो मैंने आपको बता दी थी, तीन ही गाड़ी के अंदर में 3 पॉइंट सीट बेल्ट आती है, बीच वाले पैसेंजर के लिए भी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है मिल जाती है, आइसोफिक्स सीट्स भी जो है गाड़ी में मिल जाती है और यहाँ पे देखोगे तो एयर का वेंट भी दिया गया है, दो इसके अंदर सी टाइप सॉकेट दे रखे हैं चार्जिंग के लिए और जो गाड़ी के अंदर आप ये देखोगे ना नी रूम लेग रूम एक नंबर का जो सीट है ना भाई, हर एक को पैनल टच कर लो स्कोडा की गाड़ियों का फॉक्सवैगन की गाड़ियों का, हर एक पैनल बिल्कुल टाइट टाइट से मिलता है, सीट का जो कंफर्ट है वो भी एकदम टाइट टाइट से मिलता है, तो लंबे ट्रैवल करते हो इस गाड़ी में तो उसके अंदर कोई भी फटी नहीं होगी, अंडर थाई स्पोर्ट रेक्लाइनिंग एंगल वो इसकी सेकेंड रो की सीट में काफ़ी अच्छा सा आप लोग को लगने वाला है। जो इसका 1 लीटर का इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 114 BHP एंड 178 NM ऑफ टॉर्क, कंपनी जो इसकी माइलेज क्लेम करती है वो 19 KMPL करती है, बाकी आप पे डिपेंड करेगा गाड़ी को किस तरीके से और किस टेरेन में ड्राइव कर रहे हो, इंसुलेशन वगैरह इसके अंदर कुछ भी प्रोवाइड नहीं है बट हुड के अंदर अच्छा खासा देने, बाकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर कार ये है। जैसे आप स्कोडा की कोई भी गाड़ी परचेज करना चाहते हो तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं आपको नीचे स्क्रीन में शो कर दूंगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, टेक केयर, थैंक यू सो मच।